भाजपा छोड़ कांग्रेस में हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने कोटा ने सियासी रण को और दिलचस्प बना दिया है। इस बीच गुरुवार को कोटा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने ओम बिरला, कोटा आईजी रविंद्र गौड़, ओएसडी रहे एडिशनल एसपी राजीव दत्ता पर बयानी हमला किया है। साथ ही चुनाव आयोग पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। गुंजल ने खुद और पत्नी की आत्मरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ड्रोन से मेरे घर की जासूसी हो रही है। आईजी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। गुंजल ने कहा है कि ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, कभी रात में तो कभी दिन में, कभी मकान के ऊपर, कभी नीचे, कभी पत्नी प्रचार पर जाती है तो सिर पर बार बार ड्रोन उड़ाते हैं। गुंजल बोली कि पता नहीं ड्रोन उड़ाने के पीछे क्या मंशा है, पता नहीं मेरे घर बम डालेंगे, मुझे उड़ाएंगे, मुझे मार डालेंगे। गुंजल ने चुनाव आयोग को ओम बिरला के ओएसडी रहे राजीव दत्ता को लेकर शिकायत की है। गुंजल ने कहा है कि दत्ता भाजपा का एजेंट हो रहा है, बिरला का चुनाव प्रचार कर रहा है, बूंदी में लाइव चुनाव करते देखा गया, उसकी तस्वीरें चुनाव आयोग को शिकायत के साथ भेजी हैं, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी तक कार्रवाई नहीं की गई। बिरला जी ने जो सपने दिखाया कि 2019 का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, हवाई जहाज नहीं उड़ा पाया और बिरला एयरलाइंस ले आऊंगा, 19 भी लड़ रहे हैं और 24 भी लड़ रहे हैं। कोटा के बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और अब तो हालत ये होगी कि जब मैंने कहा बिरला जी हिसाब किताब लाओ और चुनाव लड़ो, 10 साल की नाकामियों पर मोदी जी के नाम का पर्दा मत डालिए। अब इस सवाल को जब जनता करने लगी है तो पुलिस आ गई बीच में। एक आईजी तो एजेंट की तरह रात को कार्यालय चला के बैठे हुए हैं, रात के 2-2 बजे तक आज कौन गया था, कितने लोग गए थे, सारे कैमरे लाओ, तमाम ऐसे जो जिन जिन थानों में मेरा संपर्क है आ जाओ और उनको बुलाओ, संपर्क करो। और ओएसडी भाषण कर रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को बार बार मैंने शिकायत कर दी, इलेक्शन कमीशन मौन क्यों है? कोटा में निष्पक्ष चुनाव के लिए ओएसडी को तत्काल लोकसभा में 10 से 5 की ड्यूटी के लिए पाबंद किया जावे और आईजी को अविलंब हटाया जाए। आईजी ओम बिरला के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं साकिर अली, जिनसे हम बात करेंगे, साकिर अली जिनसे हम बात करेंगे इसी विषय पर। साकिर जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, इनके प्रूफ हैं क्या इनके पास? जी देखिए, आज क्योंकि प्रहलाद गुंजल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने जो है बाकायदा कई सारे फोटोग्राफ्स वगैरह भी जो है दिखाए हैं और जो निर्वाचन विभाग में उन्होंने शिकायत की है वो भी बात उन्होंने कही है। लेकिन कोटा और बूंदी का जो चुनाव है लोकसभा सीट का, वो उसके लिए हम आपको बता दें कि बीजेपी चाह रही है कि ये चुनाव जो है सीधा केंद्र के मुद्दों पर रहे, पीएम नरेंद्र मोदी के मुद्दों पर रहे जी। और कांग्रेस जो है इसको स्थानीय मुद्दों को लेकर के चुनाव में आना चाह रही है। लगातार प्रहलाद गुंजल स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं ओम बिरला, वो उसका कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं और प्रहलाद गुंजल लगातार उनके 10 साल की बात कर रहे हैं। अब आज उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि जहां भी मेरी सभा हो रही है वहां पर 8-8 कैमरे पुलिस के लग रहे हैं, जो लोग सभाओं में पहुंच रहे हैं उनको जो है पुलिस कर्मी परेशान कर रहे हैं। उन्होंने आईजी पर भी गंभीर आरोप लगाया कि आईजी जो है एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और उनको हटाने की भी मांग की है। लोकसभा स्पीकर के जो ओएसडी हैं राजीव दत्ता, उनको लेकर भी उन्होंने कहा है कि मैंने वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ जो है निर्वाचन आयोग को भेजे हैं जिसमें वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, बूंदी में वो प्रचार कर रहे हैं, डाबी में वो प्रचार कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है उसको लेकर के उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस तरह के आरोप प्रहलाद गुंजल ने लगाए हैं और कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं। लेकिन ओम बिरला की तरफ से इस पूरे मामले में फिलहाल आज भी कोई जवाब नहीं आया है। इससे पहले भी प्रहलाद गुंजल लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो उनका जवाब भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, शाकिर साहब, मुझे एक बात बताइए, ये जो बात कर रहे हैं कि जब भी मेरी पत्नी जाती हैं कहीं किसी जनसभा को संबोधित करने पर तो ऊपर में ड्रोन जो है उड़ते हुए दिखता है, इसके प्रूफ्स वो दे पाए हैं अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? जी देखिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत दमदारी के साथ ये बात कही है कि मेरे घर की भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कल रात को भी जो है एक ड्रोन मेरे घर पे जो है उड़ाया जा रहा था, उसको जो है सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा है। जो ड्रोन चला रहा था उसने जो है उसमें से कार्ड निकाल लिया और ड्रोन मेरे घर पर अभी भी रखा हुआ है।
मेरी पत्नी जब प्रचार में जाती है तो उनकी भी ड्रोन से निगरानी की जाती है, उनके ऊपर 5 फीट ऊपर से जो है ड्रोन उनको नजर आता है जिस इलाके में भी वो जा रही है। तो ये इस तरह के आरोप आज प्रहलाद गुंजल ने लगाए हैं। उन्होंने तो यह तक भी अब प्रहलाद गुंजल का मेरे घर में क्या निगरानी की जा रही है। प्रहलाद गुंजल की मांग क्या है शागिर साहब, अब उनकी मांग क्या है? जी देखिए, उन्होंने साफ तौर पर मांग की है, उनका आरोप जो है कि एक तो जो है आईजी जो है कोटा के, वो जो है उन तमाम जो चीजें हैं उसमें उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। यानी उनका कहना है कि जो भी कार्यकर्ता या जो भी लोग सभाओं में पहुंच रहे हैं उनको नोटिस किया जा रहा है और उनको जो है थानों पर बुलाया जा रहा है। तो उनका कहना है कि जबरन जो है परेशान किया जा रहा है, जिस थाने इलाके में भी उनका प्रोग्राम होता है वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वहाँ पर 8-8 कैमरे लगा देती है और वहाँ पर लोगों को चिन्हित करती है कि इस सभा में कौन आया है और फिर शाम को जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शाकिर अली, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमें हमारे दर्शकों को बताई है।